अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, एवरीथिंग इजी चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, अब से कुछ वक्त पहले खादम हरमैन शरीफेन ने एक शाही फरमान जारी कर दिया एक नए सरकारी छुट्टी के मुताबिक। इससे पहले दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब का जो यौमुल वतनी है, नेशनल डे है, वो 23 सितंबर को होता है। जिस दिन खास व आम छुट्टी होती है, सऊदी हो या गैर मुल्की हो, सबके लिए एक जैसा छुट्टी मिल जाती है कंपनियों की तरफ से। इसी तरह दोस्तों, अब से कुछ वक्त पहले खादम हरमैन शरीफेन ने एक और शाही फरमान जारी कर दिया, जिसमें दोस्तों अब सऊदी अरब में सालाना जैसा 23 सितंबर मनाया जाता है, ऐसा 22 फरवरी मनाया जाएगा। सरकारी छुट्टी होगी हर खास व आम के लिए, 23 सितंबर अपने ही जगह पे रहेगी और 22 फरवरी दूसरी छुट्टी होगी सरकारी, जिस दिन सब खास और आम का छुट्टी होगी, जिसमें खास मुसस्से भी है, सरकारी भी है और इसके अलावा छोटे बड़े जितने भी मुसस्से सबका छुट्टी होगी। इसके साथ साथ दोस्तों, जो छुट्टी होगा कानून है, अगर 22 फरवरी को किसी मुसस्से का कोई जरूरी काम है, अगर वो अपने अमला से 22 फरवरी को काम लेना चाहते हैं, तो उसको 23 फरवरी का छुट्टी दिया जाएगा, वरना 22 फरवरी को मुकम्मल तौर पर सऊदी अरब में हर खास आम के लिए सरकारी छुट्टी होगी। ये दोस्तों, जो नई छुट्टी मनाई जाएगी, ये होगा सऊदी का तासीस दौला, यानी फरवरी को इमाम मोहम्मद बिन सऊद ने सऊदी अरब के क्याम का ऐलान किया था, सऊदी स्टेट बनने का ऐलान किया था। तो उसके तरफ में खादम हरमैन शरीफेन मलिक सलमान बिन अब्दुल अजीज ने सऊदी अरब में 22 फरवरी को सालाना सरकारी छुट्टी मनाने का ऐलान कर दिया, जो कि सऊदी और गैर मुल्की सबके लिए एक जैसा होगा।